सर के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सर मैं भी मुंबई से हूं और मैं जानता हूं कि हर बात पर आप एक कविता जरूर बोलते हैं, और चूंकि आज भोजपुरी मंच है, भोजपुरी के बहुत सारे यहाँ पर दिग्गज हैं, तो एक कविता आज आपकी बनेगी, लेकिन उससे पहले सम्मान आपके हाथों से हम दिलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर महेश गुप्ता और विजय त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, विवेक त्रिपाठी, ओके विवेक त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत अब धीरे धीरे करें। सर सर विजय लोकेश सर, महेश गुप्ता जी, विवेक त्रिपाठी जी, रामदास अठौले साहब का सम्मान कर रहे हैं, उसको कुछ दिया जा चुका है और सॉल लोकेश सर जा रहा है। और चूंकि सर आप बहुत अच्छा कहते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्लीज आप दो शब्द जो है यहाँ के लिए। क्या हुआ कुछ लोगों को लगती होगी हंसी, आज मुझे बहुत हो रही है। आज यहाँ लखनऊ में 5 फिल्म का लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है, और ये 5 फिल्में भोजपुरी में हैं। जब जब मैं खाता हूँ चिकन करी, तो मुझे याद आती है भाषा भोजपुरी। तो भोजपुरी लैंग्वेज सुनने के लिए बहुत अच्छी है, बोलने के लिए भी बहुत अच्छी है। बिहार में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भोजपुरी चलती है, और भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हमारे मुंबई में भी रहते हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के काफी लोग मुंबई में रहते हैं। तो मैं भी मुंबई का निवासी हूँ, और आज हिंदुत्व नाम की जो भोजपुरी की फिल्म है, इसका भी लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है। मतलब मेरा तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार का मजबूत करने का मेरा है मिशन। नरेंद्र मोदी जी सरकार का मजबूत करने का मेरा है मिशन, क्योंकि गोरखपुर के MP है रवि किशन। तो रवि किशन जी हमारे अच्छे मित्र है, वो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उत्तर प्रदेश के है, और उनका नेटिव प्लेस जौनपुर आता है। तो बहुत सारे कलाकार मुंबई में आते हैं और अपनी जिंदगी का दाव लगाते हैं। जिस तरह हमारे निर्देशक डायरेक्टर राजकुमार पांडे जी जो सन्यासी फिल्म निकाल रहे हैं, तो सन्यासी का जो जीवन होता है, जीवन बहुत ही दर्द भरी जीवन होता है, बहुत सैक्रिफाइस वाला जीवन होता है, और ये सन्यासी कौन है, ये रोल कौन कर रहे हैं सन्यासी का? प्रदीप पांडे चिंटू। अच्छा, आपका लड़का प्रदीप पांडे चिंटू। जब जब मैं नाम सुनता हूँ बिल्कुल, तो मुझे याद आता है चिंटू। तो आपका लड़का वो है, भोजपुरी का बहुत ही बड़ा फेमस कलाकार है, उनका फोटो भी मैंने देखा, बहुत स्मार्ट दिखता है, और भोजपुरी फिल्म का बहुत ही पॉपुलर कलाकार के रूप में वो सन्यासी में काम कर रहा है। तो उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरी फिल्म है
फसल, फसल अब ये जो फसल है, जब 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 अपने सामने आती रहेगी फसल, तब तक याद रहेगा किसानों का आंदोलन। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, मतलब फसल के लिए चल रहा है, फसल को अच्छा दाम मिलने के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन फसल को दाम देने का निर्णय तो मोदी सरकार ने लिया ही है। मोदी सरकार का ये कहना ये है कि भाई ये कानून इसलिए हमने बनाए हैं कि फसल को ज्यादा दाम मिलना चाहिए, जहाँ ज्यादा दाम मिलेगा वहाँ आपको बेचने का अधिकार है। तो पंजाब के किसानों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो अपनी मंडियां बंद हो जाएगी, अपनी जो एपीएमसी बंद हो जाएगी, इसीलिए मतलब ठीक बात है, वो तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन फसल जो की है, फसल के बिना हम जी नहीं सकते। फसल है, किसान सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करता है, खेत मजदूर वहां जाकर खेत को ठीक ठाक करता है, और उसके बाद फसल पैदा होती है 4 महीने में 6 महीने में 1 साल में, और फिर अभी एक टीवी में दिखा रहे थे कि जो गोभी है तो गोभी खाली 1 रुपया, मतलब हमारे महाराष्ट्र में किसान का टीवी में दिखा रहे थे गोभी का रेट कितनी सी गोभी है, आधा किलो या 1.25 किलो होगी और उसको 1 रुपया, मतलब चॉकलेट से भी कम पैसों में मतलब बेच रहे थे। पैसा पैसा मिलेगा तो क्या क्या किसानों को मिलेगा, इसीलिए किसानों के फसल को सही दाम मिलना चाहिए, ये मोदी सरकार का कहना है कि भाई किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम 3 कानून बनाए हैं। तो इसीलिए ठीक बात है, जो फसल की भी ये है। दूसरा तो जिसमें हमारे प्रेम राय इसके डायरेक्टर भी है, और हिंदुत्व जो फिल्म है, जो सही हिंदुत्व जो है उस हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व बोलते हैं, और आदमी हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा करने की हम सब लोगों की कोशिश है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सभी जाति धर्म के लोग, तो लोग को एक ही है, या कोई मतलब चेहरे से कोई आदमी ऐसा नहीं पहचानता है कि भाई ये जाति का है, तो मानव जात तो है तो मानव जात है। इसीलिए हिंदुत्व जो फिल्म है, हमारे रवि किशन जी उसमें हीरो है, और रवि किशन जी हमारे बहुत बड़े एक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार 1998 में चुन रहे थे, उसी साल मैं भी मुंबई से चुन कर आया था, मुंबई में उत्तर मध्य मुंबई नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, या दादर, वडाला, माहिम, नायगांव, ये एरिया जिसमें आता है, वहाँ से मैं पहली बार मुंबई से मैं लोकसभा में चुन कर आया था, मैं 3 बार लोकसभा में चुन कर आया था और अभी 2 बार मैं राज्यसभा में हूँ। मैं अभी मोदी सरकार में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूँ, राज्य मंत्री मैं हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी है उस पार्टी को मैं बिलोंग करता हूँ। तो कलाकारों के साथ मेरे भी संबंध अच्छे है, मैंने भी कुछ फिल्मों में टाइटल रोल छोटा मोटा मैंने भी रोल किया है, और मतलब मुझे आदत है करने की गोल, मुझे हमेशा आदत है करने की गोल, इसीलिए मैं करता हूँ छोटा छोटा रोल। मुझे भी फिल्म के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी रहा है, और मैं शायद राजनीति में नहीं आता था तो शायद मैं फिल्म एक्टर मैं अच्छा बन सकता था, अभी भी बन सकता हूँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो अभी मैं बन सकता हूँ। ठीक बात है, इसलिए आज यहाँ हमारे तो ये
ये हिंदुत्व की जो फिल्म है, रवि किशन जी इसमें प्रमुख रोल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये फिल्म बहुत अच्छी तरह चलेगी। दूसरी वास्तव है, इसके डायरेक्टर सुजीत हैं, और वास्तव जो होता है जिंदगी का वास्तव को हमें खुली आंखों से देखना चाहिए। वास्तव क्या है, क्या वास्तव होता है, क्या वास्तव है, इसको देखने की आवश्यकता है। और इसीलिए वास्तव नाम की फिल्म भी भोजपुरी में आ रही है। और दूसरी फिल्म है जाने मन, जाने मन है ना, जाने मन टू, जाने मन टू। तो ये जाने मन टू, ये भी फिल्म मतलब आ रही है। इसके डायरेक्टर है नरेंद्र सिंह बिष्ट, इनके हैं, और इसमें भी रवि किशन जी है इसमें, नहीं सर, भोजपुरी में कल्लू कहते है, हमारे मराठी में कालू कहते है। कालू कहते है मतलब मराठी इधर कालू कहते है, और बिहार में जाएंगे तो लालू कहते हो। और तमिलनाडु में जाएंगे तो बालू कहते हैं। और पिक्सल फिल्म के जो डायरेक्टर है पराग पाटिल है, इधर पराग पाटिल पराग पाटिल कुठल गाव बंधू तुमचं डहाणू पालघर मध्ये, ठीक आहे। तुम्ही भोजपुरी ही पण भोजपुरी 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 ऐकलंय मतलब जब मेरे सामने आता है सिरा तब मेरे बाजू में खड़े रहते परा। पराग पाटिल हमारे मराठी डायरेक्टर है, तो अच्छी बात है। मतलब आप एक हमारे पूरे कलाकार मुंबई में रहते हैं, और मराठी लोगों को भी फिल्म की बहुत अच्छी पहचान है। तो आज मुझे आनंद है कि भाई मैं अचानक आज मैं लखनऊ में था, तो मुझे रवि किशन जी का फोन आया कि भोजपुरी फिल्मों का लॉन्चिंग हो रहा है, तो आप इधर आइए। तो मैंने सोचा देखिए अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा काम मिल सकता है। तो फिर मैंने टाइम निकाला, और मैं अभी हमारे दिनेश शर्मा जी डिप्यूटी सीएम है, उनके साथ मेरी मीटिंग थी। अभी योगी आदित्यनाथ जी को मिलने के लिए मैं अभी जा रहा था, साढ़े सात का टाइम है। तो रवि किशन जी ने बोला था कि 6 बजे आइए, तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला। ये जो सारी भी फिल्में हैं, ये फिल्में बहुत अच्छी तरह चलेगी, हमारे मुंबई में चलेगी, यूपी में चलेगी, बिहार में चलेगी। और भोजपुरी लैंग्वेज जो है, मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि त्रिनिदाद और टोबैगो नाम की एक कंट्री है अमेरिका के बाजू में, मियामी है, मियामी से वहाँ जो फ्लाइट जाता है। मैं जो पहली बार मैं चुनकर आया था तब सोमनाथ चटर्जी जो है वो हमारे स्पीकर थे, वो मुझे वहाँ ले गए थे, और वहाँ इंडिया के बिहार की 225 फैमिली अंग्रेज वहाँ लेकर गए थे, और उस कंट्री में 80% लोग इंडियन थे। 225 फैमिली वहाँ गई थी, तो अभी 175 हो रहे हैं।
तो दो सवा 200 फैमिली में गई थी। अभी वहाँ का पॉपुलेशन जो है उसमें 80% अपने बिहार के लोग हैं और वहाँ भोजपुरी गाना चलता है। टैक्सी में बैठे गए तो वहाँ टैक्सी चलाने वाले भी अपने इंडियन लोग हैं। तो मतलब बिहार की 225 फैमिली वहाँ जाने के बाद इतना पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गया है। तो बिहार के लोग हमारे मुंबई में भी रहते हैं, हमारे कुछ लोग बिहारी लोगों का विरोध भी करते हैं, यूपी के लोगों का विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं और मेरी पार्टी हमेशा मैं यूपी के लोगों के साथ में रहा हूँ, मैं बिहार के लोगों के साथ भी रहा हूँ, मराठी लोगों के साथ तो मैं हुई हूँ, मैं मराठी हूँ, मराठी के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान भी है। लेकिन मुंबई के अपने देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए मुंबई में सबको रहने का अधिकार है। और अभी अमिताभ बच्चन का विरोध हुआ था, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी के विरोध में कुछ एक नए नेता ने भक्तों की किया था, तो मैंने अमिताभ बच्चन की बाजू मैंने दे दी है और अमिताभ बच्चन की फिल्म हम नहीं चलने देंगे। और हमने बोला है कि अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चलने देंगे तो हम भी उनको किसको मिलने नहीं देंगे, मतलब चलने नहीं देंगे, मतलब क्या मुंबई क्या दादा लोगों की मुंबई थोड़ी है, इसीलिए मतलब हमने अमिताभ बच्चन की फिल्म चलेगी और अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को पूरा संरक्षण देने का मेरी पार्टी करेगी, ऐसी लाइन मैंने दी है। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मेरा अच्छा नज़दीक का संबंध है। जब कंगना रनौत जी को भी कुछ लोगों ने विरोध किया था कि उनको मुंबई आने नहीं देगी, तो मैंने बोला था कि कंगना मुंबई में आएगी और मेरी पार्टी उनका संरक्षण करेगी और हमने उनका प्रोटेक्शन किया। इसलिए जब जब कलाकारों पर अन्याय होता है तब तब मैं उनके साथ में खड़ा रहता हूँ और इसीलिए आज यहाँ मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि आज रवि किशन जी के निमंत्रण पर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और यहाँ ये 5 फिल्मों का ये सन्यासी है, फसल है, हिंदुत्व है, वास्तव है और जाने मन है। तो ये 5 फिल्म का जो लॉन्चिंग यहाँ हो रहा है, मैं ये सभी फिल्मों को डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, कलाकारों को मैं हार्दिक से बधाई देता हूँ और ये फिल्में अच्छी तरह चलती रहेंगी, धंधा अच्छा करेगी, पैसा कमाने का काम आप करते रहो और पैसा कमाने का काम करते रहो लेकिन चुनाव के साथ हमारे साथ रहो, पैसा भी कमाओ लेकिन हमारे साथ रहो और अपनी शब्दों के साथ। हाँ, 3-4 डायरेक्टर है, क्या करने गए राजकुमार पांडे सर को जो है सम्मान दिया जा रहा है। सर, थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद पराग पाटिल साहब, सर प्लीज। पराग पाटिल साहब, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा आठवले सर के हाथों से सम्मान। सर सामने देखिए सर, पराग सर इधर। यस, थैंक यू पाटिल साहब। इसके बाद करण पांडे सर प्लीज आइए, आपका भी सम्मान सर के हाथ में, यहाँ पर आइए। करण सर इधर भी, करण सर इधर भी। यस, थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे बीच भोजपुरी की क्वीन रानी चैटर्जी जी हैं, प्लीज आइए और अठौले सर के हाथों से आपको करिए। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है भोजपुरी। अरे इधर भाई, मोबाइल लेके अंदर रानी मैम इधर। सर कोर्ट वाले भैया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अब सर आप आइए ना सर, इधर आइए ना। अरविंद सर इधर 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 इधर। अरे मोबाइल सर। और अब
अगली बारी अभिनेत्री सोया खान की। सोया जी शेड्यूल लाइए प्लीज। सर मोबाइल तो नीचे करो यार। अरे छक्का क्या कर रहा है? अरे इधर आ जाओ, लाइन में आ जाओ। जोया जी इधर देखिए, जोया जी इधर भी, इधर भी, इधर भी। थैंक यू, थैंक यू सोया। और इसके बाद हम हमारे किशन जी का नाम है, भाई बीच नीचे बैठो। वो पोस्टरवा मंगा ले तो ज्यादा अच्छा लगे ना। बैठो तो यार, पीछे पीछे है ना कैमरे के पीछे। अच्छा सर, एक कैमरे में सर लूंगे। तो रवि किशन जी की बैठना भाई। हेलो, अरे यार भोजपुरी की फिल्म रिलीज। अरे यार मोबाइल क्यों ले रहा ऊपर यार? अच्छा और इनका जरूर नाम है रवि। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, पीछे पीछे थोड़ा सा, थोड़ी मैम, थोड़ी मैम, थोड़ा सा पीछे। हाँ 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 ठीक है, सामने लुक दीजिए सर। सामने देखिए आप लोग। किशन जी का नाम है रवि, हम दोनों पार्लियामेंट में हैं। बहुत बार एरिया वाले मजा के लिए और अभी हमारे मजा तुझे मत दे सजा, मैं लेने वाला हूँ आपकी रजा, मैं लेने वाला हूँ आपकी रजा। क्योंकि रवि किशन और मुझे आपको देख कर आज नहीं है मजा। ठीक बात है, तो रविशंकर रवि किशन जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आपकी बहुत खुशी फिल्म को करते हुए चलते रहेंगे, राम की फिल्म पूरे देश में चलेगी। मैं जो शुभकामना देता हूँ और रवि किशन जी को दो शब्द बोलने के लिए मैं यहाँ अनुग्रह करता हूँ। धन्यवाद राठौड़ साहब, आप आए और मैं इनको दिल से धन्यवाद दे। दोपहर को मैंने फोन किया कि आप यहाँ पे सर आप आए हैं तो आशीर्वाद देना, आप जरूर आइएगा। इतने हमको मुख्यमंत्री जी के पास जाना था तो आज ये पांच फिल्म, फसल, सन्यासी, हिंदुत्व वास्तव, जाने मन टू, ये सब पांच फिल्म का मुहूर्त प्रेम राय जी कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे प्रेम राय जी के साथ प्रवीण जी हैं और श्रेयांश फिल्म और स्काई हाई टूट रही है। तो प्रवीण जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। लेमन ट्री होटल उन्हीं का है, प्रवीण जी साथ में खड़े हैं, उनके साथ हमारे सरदार जी, हमारे भाई जी वो खड़े हैं, बलरामपुर के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वो जिला उपाध्यक्ष हैं। और मेरे साथ ये सारी सुपरस्टार हीरोइंस, हीरो, सारे जितने लोग हैं, सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं कि आज मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद अभी मिला, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि आप लोग अच्छे से करिए। प्रवीण जी को बोला, प्रेम राय जी को बोला कि आप लोगों ने ये फिल्म बड़ी भव्य बनाई है। हिंदुत्व का पोस्टर उन्होंने देखा, बाकी पोस्टर बड़े पसंद किए, उनका एक ही आशीर्वाद ये था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। तो भोजपुरी सिनेमा के लिए एक अच्छी जिम्मेदारी थी कि मुख्यमंत्री जी का एक, आज मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को बता कि अभी उनका वहीं से हम आ रहे हैं उनके घर से, उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा को अच्छा सिनेमा बनाना बहुत ज़रूरी है। ये उन्होंने एक आशीर्वाद के रूप में मुझे बताया। मैंने बोला नहीं, ये टाइम स्क्रिप्ट पे बहुत काम, बोले नहीं आप लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। और उन्होंने ये बात कही तो ये बात हमारे प्रोड्यूसर ने भी सुनी, हमारे जितने डायरेक्टर्स यहाँ खड़े हैं वो भी सुन रहे हैं, राइटर्स हैं जो भी वो भी, हमारे कलाकार भी सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, चूँकि अब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो गई, ऑलमोस्ट सारी शूटिंग्स यहाँ पर लखनऊ में, नहीं तो भी इस वक्त 40-45 फिल्मों की शूटिंग चल रही है हर भाषा की, उसमें भोजपुरी काफ़ी है, जौनपुर, बनारस, हर जगह, गोरखपुर, हर जगह शूटिंग हो रही है।
मुख्यमंत्री जी का ये आदेश और ये एक आशीर्वाद मिला कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, लेकिन आप लोग अच्छा सिनेमा बनाएं, तो ये आशीर्वाद में लेके मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो चूंकि आप लोग जानते हैं होटल्स में नहीं आते, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया और कल वो रूबरू वापस से प्रोड्यूसर से सबसे मिल के और भी बातें अपनी रखेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक संदेशा था मुख्यमंत्री जी का कि आप लोगों को अच्छा सिनेमा बनाना है, जैसे मराठी और बंगाली सिनेमा बनता है, और आप लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार लेना है, अच्छी कहानियों पे काम करो, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा अठावले साहब अभी। तो मैं चाहूँगा अठावले साहब आप क्या कहेंगे, आज 5 फिल्मों का मुहूर्त है, आपने इतना समय आप थोड़ा हमारा इंतजार किया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद पार्लियामेंट में पूरा देश आपको आनंद देता है और हमेशा आप अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं और स्पष्ट बोलने के लिए जाने जाते हैं, निस्वार्थ व्यक्तित्व है, इसीलिए अभी आप पूरे लखनऊ में आज छाए हुए हैं, हर जगह चारों ओर आपके पोस्टर लगे हैं, तो आपको आपका स्वागत है इस लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की धरती पर। ये अठावले साहब ये इसका सामने ये इन लोगों को फोटो चाहिए इसका। और रवि किशन जी ने बोला है कि मैं पूरे लखनऊ में छाया हूँ। रवि किशन जी अभी अभी बोले कि मैं सारे लखनऊ में छाया हूँ, क्योंकि आपकी मेरे ऊपर माया मैं इधर हूँ छाया, क्योंकि आपकी है मेरे ऊपर माया। एक बार और देख लीजिए भाई और आप एक बार अच्छा गीत गाया, आपने बहुत एक बार बहुत अच्छा गीत गाया, क्योंकि मेरी है आपके ऊपर माया। सर क्लैप दे दीजिए सर, सर हाथ थोड़ा पीछे प्लीज। भाई ये ले लीजिए आप लोग, क्योंकि अठावले साहब का मुख्यमंत्री जी का समय है। बैठ भाई, भाई सब सामने ही हेलो अरे यार तो रवि सर क्या कर रहे हो तुम सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.